हेलो एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर रश्मिज होम्योपैथी। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में जो कि है तो बहुत ही रेयर, मतलब कि बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं होती है ये बीमारी, लेकिन जिन लोगों को ये बीमारी होती है उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम होती है। आज हम बात करने वाले हैं मेनियस डिज़ीज़ के बारे में। मेनियस डिज़ीज़ जिसका नाम पड़ा है एक फ्रांसीसी चिकित्सक के ऊपर, उन्होंने इस बीमारी के बारे में पता किया था और बताया था कि ये बीमारी कैसे होती है, क्या क्या सिम्टम्स आते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इसी बीमारी के बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे कि ये बीमारी क्यों होती है, इस बीमारी के लक्षण क्या होते हैं, इसका मैनेजमेंट क्या होता है और इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या होता है। सब कुछ हम जानेंगे डिटेल में इसी वीडियो में। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि मेनियस डिजीज़ होता क्या है। फ्रेंड्स, मेनियस डिजीज़ हमारे कान के अंदरूनी पार्ट को अफेक्ट करने वाली एक बीमारी है। जो हमारा कान होता है तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, आउटर और मिडल और इनर। जो इनर पार्ट होता है उसके अंदर फ्लूइड होता है जिसको हम बोलते हैं इंडोलिम्फ। अगर उस फ्लूइड यानी उस लिक्विड में अगर कोई डिसबैलेंस होता है, कोई प्रेशर चेंजेस होते हैं, कोई भी चीज़ जो उस लिक्विड को अफेक्ट करती है उससे ही आपको प्रॉब्लम होती है मेनियस डिजीज़ की। सो बेसिकली जो आपका इनर ईयर होता है उसके दो काम होते हैं। पहला काम होता है बैलेंसिंग का और दूसरा इंपॉर्टेंट काम होता है जितने भी हम आवाज़ सुनते हैं, वो मैकेनिकल फॉर्म में होती है, मैकेनिकल साउंड्स होते हैं और उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करके हमारे ब्रेन तक ले जाने का काम हमारा इनर ईयर करता है। तो जब हमारा कान में हमारे इंटरनल ईयर यानी इनर ईयर में कोई प्रॉब्लम होगी तो हम सही से उसको इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे, मैकेनिकल साउंड्स इलेक्ट्रिकल साउंड्स में नहीं चेंज हो पाएंगे और हमें वो चीज़ सही से सुनाई नहीं देगी। तो बेसिकली ये इंटरनल ईयर को अफेक्ट करने वाली मेनियस डिजीज़ एक बीमारी होती है। ये बीमारी ज़्यादातर मेल्स में होती है, अराउंड 20-50 ईयर्स के एज ग्रुप में होती है और कई बार ये बीमारी जो है बच्चों में भी आ जाती है। वैसे तो शुरुआत में ये बीमारी एक ही कान को असर देती है, एक ही कान में इसके सिम्टम्स आते हैं, लेकिन अगर ये ट्रीट नहीं होता है, प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती है तो कई बार ऐसा होता है कि दोनों कान भी अफेक्टेड हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं सिम्टम्स की, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। तो फ्रेंड्स, जो मेनियस डिजीज़ होता है उसके चार इंपॉर्टेंट सिम्टम्स होते हैं। सबसे पहला सिम्टम होता है वर्टिगो का, चक्कर आना। पेशेंट को समझ में नहीं आता उसको चक्कर किस बात के लिए आ रहा है, तो जो चक्कर होता है एक अलग तरह का चक्कर होता है, उसमें एक घुमावदार चक्कर आता है, स्पिनिंग जिसको बोला जाता है। या तो पेशेंट को लगेगा कि वो खुद घूम रहा है या उसको लगेगा कि पूरी जो उसके आसपास का जो वातावरण है, जो एनवायरनमेंट है, वो सब घूम रहा है। तो स्पिनिंग के जैसा वर्टिगो होता है इसमें। दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर इसमें होता है कि टिनिटस होता है, कान के अंदर एक लगातार बजिंग साउंड या रिंगिंग साउंड हो सकता है और साथ में कई बार ऐसा होता है कि जो बजिंग साउंड है उसके कारण उसको नाउजिया भी होता है, या जो वर्टिगो होता है उसके साथ भी नाउजिया यानी उल्टी करने जैसा मन हो सकता है। तीसरे सिम्टम की बात करते हैं तो तीसरा सिम्टम होता है हियरिंग लॉस। कई बार उसको जो सुनने में जो शक्ति होती है, कई बार दूर की आवाज़ सुनने में शक्ति उसकी कम हो जाती है, धीरे धीरे करके पास की आवाज़ को भी सुनने में उसकी कमी हो जाती है, तो इसको बोला जाता है प्रोग्रेसिव हियरिंग लॉस, धीरे धीरे सुनने की शक्ति में कमी होती है। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि प्रेशर रहता है कान के अंदर, हमेशा उसको लगेगा कि कुछ प्रेशर जैसा लग रहा है, क्योंकि अगेन जो इंडोलिम्फ होता है उसके या तो प्रेशर बढ़ने से या इंडोलिम्फ की क्वांटिटी बढ़ने से ये सिम्टम्स आते हैं। तो चार कार्डिनल सिम्टम्स होते हैं। लेकिन मेन प्रॉब्लम कहाँ आती है? मेन प्रॉब्लम आती है क्योंकि जो पेशेंट होते हैं, जब तक आपने डॉक्टर के पास विजिट ही नहीं किया है तब तक आप इन सिम्टम्स को एक साथ कोरिलेट ही नहीं कर पाते हो। पेशेंट को लगता है कि कान में जो आवाज़ आ रही है वो अलग चीज़ है, कान में कोई दिक्कत है, चक्कर आ रहा है वो सिर की दिक्कत है और जो प्रेशर आ रहा है वो किसी और चीज़ की दिक्कत है। तो चारों चीज़ों को कोरिलेट करके मेनियस डिजीज़ के बारे में पता करना कि मेनियस डिजीज़ ही है मुझे, तो यहाँ से पता चल सकता है। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या इसके कॉजेज़ हो सकते हैं, ट्रिगर फैक्टर्स क्या होते हैं। तो जो मेनियस डिजीज़ होता है ये ऑन एंड ऑफ होता है, मतलब जैसे चक्कर की समस्या है तो वो भी आपको जब स्टार्ट होगा चक्कर आना तो करीब आपको 20 मिनट तक चक्कर आना या 20 मिनट से लेकर 24 घंटे तक के बीच में आपको चक्कर की समस्या हो सकती है। ये जो चक्कर की समस्या होती है हमेशा ऐसा होता है कि अचानक से शुरू होती है, आपको पता नहीं चलता है कि आपको चक्कर आ सकते हैं और कई बार उठते समय या कोई काम करते समय, ट्रेवलिंग करते समय या तेज़ आवाज़ से किसी भी चीज़ से एग्रेवेट हो सकती है। तो सबसे ज़्यादा एग्रेवेशन इसकी होती है फटीग से। बहुत ज़्यादा इंसान अगर थक जाता है, बहुत ओवर वर्क कर लेता है, ओवर स्ट्रेस कर लेता है, उससे भी परेशानी बढ़ जाती है। या इमोशनल आउटब्रेक रहे, बहुत ज़्यादा पेशेंट परेशान है, किसी तरह का स्ट्रेस उसको बहुत ज़्यादा है, तभी भी हो सकता है।
ये समस्या उन लोगों को भी ज़्यादा होती है जिनको बार बार कान के इन्फेक्शन होते रहते हैं, चाहे कान में आउटर ईयर का ही इन्फेक्शन हो रहा हो, मिडिल ईयर का हो रहा हो, लेकिन बार बार वायरल इन्फेक्शन अगर हो रहे हों तो उन केसेज में भी टिनिटस या जो मिनियर डिजीज़ है ज़्यादा देखा जाता है। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि जो कान का स्ट्रक्चर है उसमें ही कोई डिफॉल्ट रहता है। जेनेटिकली अगर आपका कान का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि एंडोलिम्फ को पूरी तरह से प्रेशर में रख पाए, नॉर्मल प्रेशर में रख पाए, और कान का प्रेशर आपका बढ़ता चला जाता है, तो उसमें भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा अगर हाई बीपी है आपको, तभी भी ये समस्या बढ़ सकती है, क्योंकि हाई बीपी में आपको टिनिटस ज़्यादा होता है, तो उसमें भी ये प्रॉब्लम देखी जा सकती है। या फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि जिन लोगों को हेड इंजरी का हिस्ट्री रहता है, हेड में बार बार चोट लगने की हिस्ट्री रहती है, उनको भी टिनिटस स्टार्ट हो सकता है। या कई बार जो प्रेशर के चेंजेस होते हैं, आप नीचे हैं तो दूसरा प्रेशर है, आप हाइट पर जाते हैं तो दूसरा प्रेशर आ जाता है, आप अंडर वाटर जाते हैं, सी में जाते हैं, तब दूसरा प्रेशर हो जाता है। तो जो प्रेशर चेंजेस होते हैं तो आपका जो कान होता है एडजस्ट नहीं कर पाता है, तो उससे भी आपको टिनिटस या मिनियर डिजीज जैसी समस्या हो सकती है। कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा सोडियम ले रहे हैं, सॉल्ट इंटेक आपका ज़्यादा है, या जो कंडेंस्ड शुगर होती है, कंडेंस्ड शुगर का मतलब हुआ कि जो सॉलिड शुगर आप ले रहे हैं, रिफाइंड शुगर ले रहे हैं, टॉफ़ी ले रहे हैं, चॉकलेट ले रहे हैं, कॉर्न सिरप ले रहे हैं, हनी ले रहे हैं, जो बहुत ही ज़्यादा सॉलिड शुगर का फॉर्म होता है, कंडेंस्ड फॉर्म होता है, उसको लेने से भी मिनियर डिजीज़ के जो सिम्टम्स होते हैं वो एग्रावेट होते हैं। तो ये चीज़ हमने समझी कि मिनियर डिजीज़ के सिम्टम्स क्या होते हैं और किन किन चीज़ों से ये परेशानी बढ़ सकती है। अब हम बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की। तो अगेन फ्रेंड्स, इसका मैनेजमेंट डिपेंड करता है कि आपको प्रॉब्लम किस लिए हो रही है। अगर आपको प्रॉब्लम हो जाती है ज़्यादा हाइट पर जाने से, अंडर वाटर जाने से, डाइविंग करने से, स्विमिंग करने से, तो प्रेशर अवॉइड करना है, बार बार प्रेशर चेंजेस नहीं करने हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ मैं खा लेता हूँ तब मुझे समस्या बढ़ जाती है, मीठी चीज़ें खाने से मेरे को प्रॉब्लम बढ़ जाती है, या बहुत ज़्यादा सॉल्ट इनटेक आपका है तो आपको उसको कंट्रोल करना चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, स्टिमुलेंट्स जो होते हैं जैसे चाय, कॉफ़ी या अल्कोहल की इनटेक से भी समस्या बढ़ती है, तो उसमें भी आपको रिस्ट्रिक्शन रखनी पड़ेगी। और इसके अलावा आपको वाइटामिन सी और वाइटामिन ई अच्छी क्वांटिटी में लेना होगा। वाइटामिन सी बहुत अच्छा सोर्स है आपके इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए या आपके इन्फेक्शन को क्लियर अप करने के लिए, तो वाइटामिन सी आप ले सकते हैं। और विटामिन ई होता है इलास्टिसिटी बढ़ाने के लिए, जो भी ब्लड वेसल्स, जो माइक्रो ब्लड वेसल्स होती हैं आपके कान के अंदर, उसकी इलास्टिसिटी बढ़ती है, तो उससे भी आपको फायदा होता है। तो विटामिन ई वाली चीज़ें आप ले सकते हैं, विटामिन ई के कैप्सूल्स भी मिलते हैं आप ले सकते हैं, विटामिन सी के भी कैप्सूल्स मिलते हैं आप ले सकते हैं, या विटामिन सी के लिए कोई भी खट्टे फल आप ले सकते हैं। तो जिनको भी मिनर डिजीज़ की प्रॉब्लम, उनको खट्टे फल ज़रूर लेना चाहिए, साथ के साथ उनको शुगर अवॉइड करनी चाहिए, सॉल्ट अवॉइड करना चाहिए, पानी का इंटेक भी कम रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंटेक नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हम जो इंडोलिम्फ होता है एक प्रेशर चेंज के कारण होता है, तो पानी का इंटेक भी आपको उतना ही रखना है। अगर आपको खुल के पेशाब नहीं होती है तब आपको डायूरेटिक्स यूज़ करना है। इसके अलावा घर में ही अवेलेबल जो जिंजर है, गार्लिक है, ये बहुत अच्छे सोर्सेज होते हैं आपके इन्फ्लामेशन को ख़त्म करने के लिए, तो आप उनको ले सकते हैं। ऑलिव ऑयल और सनफ्लावर ऑयल, इसमें भी एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो इन बातों का ध्यान में रखते हुए अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक मैनेजमेंट की। तो फ्रेंड, जब भी आप मिनर डिजीज़ के बारे में पता करेंगे तो सबसे पहली चीज़ जो आपको पता लगती है कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, या इस बीमारी को सिर्फ सिम्टम वाइज ठीक किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ऐसा होम्योपैथी में नहीं है, क्योंकि होम्योपैथी में हम सारे जो सिम्टम्स होते हैं कॉज को ट्रीट करने का की कोशिश करते हैं। तो मिनर डिजीज़ पूरी तरह से क्योरेबल है, बस इसमें हो सकता है कि आपको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे रिलीफ आए, लेकिन ये पूरी तरह से ठीक हो सकती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिंस हैं, यहाँ पे मैं सिर्फ 4-5 फंडामेंटल मेडिसिंस की ही बात करूँगी, क्योंकि सारी मेडिसिंस के बारे में बात करना इज़ नॉट पॉसिबल। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें यह है कि जितनी भी मिनियर डिजीज़ में फंडामेंटल मेडिसिंस होती हैं उनका सबका नाम सी से स्टार्ट होता है, जैसे चिनिनम सल्फ है, कोनियम है, चिनोपोडियम है, कॉक्युलस है, और उसके अलावा दो मेडिसिन थेराडियन और नेट्रम सल्फ, तो सी से स्टार्ट होने वाली मेडिसिन ज़्यादा हैं। अब हम बात करते हैं कौन कौन सी मेडिसिन क्या क्या सिम्टम्स पर ली जानी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चिनियम सल्फ की। ये जो मेडिसिन है ये दी जाती है अगर आपके बाएं कान में परेशानी है, बाएं कान में प्रेशर चेंजेस हो रहे हैं, बाएं कान में आपको रिंगिंग साउंड सुनाई दे रहा है, बहुत ही रोरिंग साउंड सुनाई दे रहा है, जैसे किसी दहाड़ जैसी लग रही हो वैसी साउंड सुनाई दे रहा है, कॉन्स्टेंट आपको साउंड सुनाई दे रहा है, और इसके साथ में आपको डिजीनेस फील हो रहा है, चक्कर जैसी समस्या लगती है, और साथ में आपको डेफनेस हल्का हल्का सा इस कान से, लेफ्ट कान से सुनाई देना बंद हो रहा है, अगर ऐसे सिम्टम्स मिलते हैं तो आप चिनियम सल्फ ले सकते हैं। दूसरी मेडिसिन की बात करते हैं, तो दूसरी
मेडिसिन है थेरिडियन। फ्रेंड्स थेरिडियन हमको कब लेना है, अगर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही हो शोर से, शोर पेशेंट बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता है, जैसे ही उसके कानों में आवाज़ आती है, तेज़ आवाज़ पड़ती है, उसको चक्कर आना स्टार्ट हो जाता है, और इवन जब वो आईज को क्लोज करता है तभी भी उसको चक्कर आते हैं। तो चक्कर अगर दो कारण से आ रहे हैं, उनको तेज़ आवाज़ से या आँखों को बंद करने के बाद आपको घूमने जैसा महसूस होता है, तो उन केसेस में आप थेरिडियन ले सकते हैं। तीसरी मेडिसिन की बात करते हैं तो तीसरी मेडिसिन है कोनियम। कोनियम के लिए मेरी सेपरेट वीडियो है, वहाँ पे भी मैंने वर्टाइगो के बारे में डिटेल में बात किया है, लेकिन कोनियम हमको यहाँ पे कब लेनी है, जब आपको सामने देखने से कोई परेशानी नहीं होती है लेकिन आप जब साइडवेज देखते हैं तब आपको घूमने जैसा महसूस होता है, या जब आप लेटने की कोशिश करते हैं तभी भी आपको घूमने जैसा महसूस होता है, चक्कर आता है। तो चक्कर के लिए कोनियम बहुत अच्छी मेडिसिन है, और साथ के साथ मिनियर डिजीज़ में जिसमें टेनिटस भी आ रहा है, वर्टाइगो भी आ रहा है, तभी भी कोनियम ली जा सकती है। तो फ्रेंड्स बात करते हैं नेक्स्ट मेडिसिन की, और नेक्स्ट मेडिसिन है कॉकुलस। कॉकुलस हमको कब लेनी है, जब आपको वर्टाइगो भी हो रहा है, मतलब चक्कर भी आ रहे हैं, सिर घूमने जैसा भी लग रहा है, डिजीनेस भी लग रहा है, आंखें भी नहीं खोल सकते हैं आप, वॉमिट करने का भी मन कर रहा है, और जब आप उठ करके बैठते हैं तब आपको ये परेशानी ज़्यादा महसूस होती है, तो कॉकुलस लेना है अगर आपको ऐसे सिम्टम्स मिलते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं तो फ्रेंड्स नेक्स्ट मेडिसिन है चिनोपोडियम एंटी हेलमिंथेटिकम। ये मेडिसिन कब लेनी है, जब आपको अचानक से वर्टाइगो हो जाए, आप काम कर रहे हैं, कुछ भी काम में बिजी है, लेकिन एकदम से आपको जो हमारी नर्व्स होती है उसके इन्वॉल्वमेंट के कारण एकदम से चक्कर आ जाए, बिल्कुल पहले से कुछ भी महसूस नहीं हो रहा, कोई डिजीनेस नहीं हो रही हो लेकिन चक्कर तुरंत आ जाए, तो उन केसेस में हम चिनोपोडियम ले सकते हैं। और चिनोपोडियम की खास बात क्या होती है कि इसमें जो ह्यूमन साउंड होता है उसके लिए डेफनेस होती है, उसके लिए उतना क्लियर नहीं सुनाई देता है, लेकिन बाहर की जितनी भी चीज़ें हैं उसको सही सुनाई देती हैं। तो ऐसे सिम्टम्स मिलते हैं तो आप चिनोपोडियम ले सकते हैं। तो आज के लास्ट मेडिसिन की बात करते हैं तो आज के लास्ट मेडिसिन है नेट्रम सैलिसिलिकम। ये मेडिसिन आपको कब लेनी है, जब आपको वर्टाइगो हो रहा है लेकिन आपको टिनिटस बहुत ही लो टोन का है, मतलब कान में जो आवाज़ बहुत तेज़ नहीं है लेकिन ये कांस्टेंट आपको कोई आवाज़ है, कांस्टेंट आपको कोई डिस्टर्बेंस है, तो ये सारी मेडिसिन हैं। और इनकी पोटेंसीज की बात करते हैं तो इनकी जो पोटेंसीज होती हैं 30 पोटेंसी 200 पोटेंसी में ली जा सकती हैं, तो लेकिन डिपेंड करता है कि मेडिसिन कौन से जा रही है, पेशेंट की एज क्या है और पेशेंट के सिम्टम्स कितनी इंटेंसिटी में है, तो इसकी 30 या 200 पोटेंसी ली जा सकती है डिपेंडिंग अपॉन द एज ऑफ द पेशेंट एंड इंटेंसिटी ऑफ द सिम्टम्स। और अगर 30 पोटेंसी लेना है तो दिन में 3 बार रिपीट कर सकते हैं, 4-4 बूंदे। अगर आप 200 पोटेंसी ले रहे हैं तो वंस अ वीक या ट्वाइस अ वीक ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रॉब्लम्स की। तो मिनियर डिजीज़ अगर ऐसे लोगों को है जिनको थायराइड की प्रॉब्लम रहती है या बीपी की शिकायत रहती है, तो वो भी इन मेडिसिन को सेफली अपने जो दूसरी मेडिसिन चल रही हैं, एलोपैथिक मेडिसिन चल रही है, उनके साथ भी ले सकते हैं। और अगर ये मेडिसिन बच्चों को देनी है तो बच्चों के केसेस में डोजेज को हम कम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये सारी इन्फॉर्मेशन थी मिनियर डिजीज़ के बारे में और उसमें यूज़ की जाने वाली फंडामेंटल होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। आई होप कि जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने इस टॉपिक पे आपसे शेयर किया आपको पसंद आई होगी और आपके काम आएगी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने नहीं किया हो। विशिंग अ वेरी गुड हेल्थ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।